नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं का लासा यानी कि LCM निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भिन्नों का लासा और मासा निकालना नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनको लासा मासा निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस टाइप के जो भिन्न होती हैं इनका लासा और मासा निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारा सवाल है 2/3, 4/5 और 7/60। ठीक है, हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, अंश का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का लासा निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अंश होती हैं, और नीचे वाली जो संख्या ये क्या होती हैं, हर होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहीं पर निकाल लेते हैं 2, 4 और 7 का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 दुनी 4, 7 में नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर से 2 से लगाते हैं, 1 का 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 7। अब 7 से लगा देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 1 और ये 1। ठीक है, 7 का एक बार में ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो संख्याएं इनका हमें गुणा करना है, तो 2 दुनी 4, 4 सत्ते 28, मतलब कि जो हमारा अंश का लासा आया है वो कितना आया है, 28 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28। ठीक है, अब हमें हरों का मासा निकालना है। अब हर कौन सी संख्या है, ये वाली संख्याएँ जो हैं वो हर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 के हम गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 × 1 यही होगा। ठीक है, 3 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1। अब इसके बाद में हम 5 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1। ठीक है, इसके बाद में 60 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 60 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दुनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। ठीक है, 2 दुनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, ये 60 के भी गुणनखंड कर दिए और यहाँ पर गुणा में 1 भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सभी में जो गुणनखंड कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 है और ये 1 यहाँ पर भी है, और कोई इन तीनों में कॉमन नहीं है। देखिए ये 5 है वो सिर्फ इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो 1 है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1, मतलब कि इन भिन्नों का जो लासा आया है वो कितना है, 28/1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा तो आप सीख जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करिए या हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करिए कि सर हमें समझ नहीं आया, तो आपको हम दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।